जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। पितृपक्ष आरंभ हो गए हैं, ऐसे में प्रत्येक घर परिवार में अपने पितरों की तृप्ति के लिए दान, पुण्य, पिंड दान, श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जा रहे हैं। पितर धरती पर 16 दिनों तक विचरण करते हैं। हमारे द्वारा उनके नाम का जो दान, पुण्य इत्यादि किया जाता है, हमारे पितर 16 दिनों तक उन्हें ग्रहण करते हैं और 16 दिनों बाद यह चीज़ें ग्रहण करने के बाद अपने लोग को गमन करते हैं और अपने बच्चों को कुछ न कुछ उनके कर्मों के आधार पर आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ देके जाते हैं। ऐसे में अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ अपने पितरों के नाम का करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में सूर्य देव, जो कि ग्रहों के राजा के रूप में जाने जाते हैं, और प्रत्येक क्रिया कर्म, जब भी हम अपने पूर्वजों का कार्य करते हैं तो सूर्य देव के नाम का कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में सूर्य देव को जब इन 16 दिनों में जल चढ़ाएं, तो उसमें जब जल के साथ साथ यह सामग्री भी अगर आप समर्पित करते हैं, तो इससे पितरों के मार्ग तृप्त होते हैं, अर्थात उनके मार्ग खुलते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसे में जो यह सामग्री है, हमेशा जब मृत कार्य होते हैं या पितरों के नाम के कार्य किए जाते हैं, तो हमेशा यह चीज़ें काम आती हैं। तो ध्यान से सुनिए, आप सभी को जब सूर्य देव को जल चढ़ाना है तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक तांबे या कांसे का लोटा ले लेना है, जैसा कि आप हमेशा सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए लेते हैं। उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से साफ स्वच्छ जल भर लेना है और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिश्रित कर देना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक जो पितरों के कार्य होते हैं उसमें गंगा जल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल आप सभी को मिश्रित कर लेना होगा। और साथ ही उसमें थोड़ा सा आप सभी को तिल, काले तिल और जौ, यह दो चीज़ें पितरों के निवृत्त जो कार्य किए जाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक हो गया गंगा जल, एक हो गया जौ और एक हो गए काले तिल। यह तीन चीज़ें पितरों की तृप्ति और पितृ कार्य में सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ऐसे में आप सभी ओम पितृदेवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए इन तीन सामग्रियों को आपस में मिलाते हुए या हाथ में आप इन तीनों को ले ऊपर से जल की धार छोड़ें। इस तरह से जो है पितृपक्ष में सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। आप सभी को इस तरह से अपने पितरों की स्मृति में इन 16 दिनों में जल चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है 16 दिनों तक अगर इस तरह से जो भक्त, जो व्यक्ति जल चढ़ाता है सूर्य को अपने पितरों के नाम का, उससे जो है पितरों की सदगति होती है, तृप्त होते हैं और पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद के रूप में धन धान्य सुख संपदा सब कुछ देकर जाते हैं। ऐसे में इन दिनों यह नियम बना लीजिए कि जल के लोटे में 16 दिनों तक घर का बच्चा हो, बड़ा हो, इन चीज़ों को डालकर ही सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। कहा जाता है पितर जिस घर में प्रसन्न होते हैं, धन संपदा सुख समृद्धि स्वयं उस घर में वास करने लग जाती है। घर का प्रत्येक सदस्य इन 16 दिनों में यह नियम बना लीजिए, कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, रोग इत्यादि स्वयं कट जाएंगे। इसके साथ ही इन दिनों आवश्यक रूप से जलदान, भूदान, गोदान, जो आपसे भोजन इत्यादि का दान हो, तर्पण हो, करने का प्रयास करिए। साथ ही इन दिनों पितृ चालीसा या पितृ गायत्री मंत्र का पाठ कर सके तो काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इन दिनों कोई भिक्षुक घर परिवार पर मांगने आए तो खाली कभी ना भेजें। कहा जाता है पितृ किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की परीक्षा ले सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से कार्य आपके जीवन को सफल बनाने में बहुत कारगर रहते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलना निश्चित है। हर हर महादेव, जय माता दी।